मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना पुलिस के द्वारा ट्रक चालकों से अवैध वसूली करते हुए वीडियो वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद दरोगा समेत 3 सिपाही को एसएसपी के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गोलंबर के समीप सदर थाना के पीएसआईबी के यादव कश्ती में थे, जिस दौरान गोलंबर के समीप उक्त दरोगा व दल में शामिल सिपाहियों के द्वारा ट्रक चालकों से अवैध वसूली की जा रही थी, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। मामला एसएसपी के संज्ञान में आया। एसएसपी जयकांत ने तत्वरित कार्रवाई करते हुए गश्ती दल में शामिल उक्त दरोगा और 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया। पूरे मामले पर डीएसपी टाउन राम नरेश पासवान ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसका जांच की गई। प्रथम दृष्टया में मामला सत्य पाया गया है। फिलहाल उन्हें निलंबित कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये एक मसला, एक वायरल वीडियो आ रहा है सदर थाना इलाके का, पैसे वसूली का, तो उसमें क्या देखा गया, क्या एक्शन हो रहा? उस संदर्भ में जांच की गई है सदर थाना अध्यक्ष के द्वारा, और उसमें बताया गया है कि जो गश्ती में जो पदाधिकारी थे उनके साथ जो फोर्स था उनके द्वारा गाड़ियों का जांच किया जा रहा है। उसी संदर्भ में एक वीडियो वायरल जारी हुआ है पब्लिक के द्वारा कि उसमें अनफेयर मीन्स के लिए किया गया है, तो उसकी जाँच हो रही है। तत्काल प्रथम दृष्टया उन पर कार्रवाई की गई है, थाने से उनको हटाया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।